अस्सलामुअलैकुम, मुस्तानी किचन में आप सबको वेलकम है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बना रहे हैं सॉफ्ट चॉकलेट स्पंज केक। और इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, इसकी रेसिपी कैसे बनी है, तो चलिए वो देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए है मैदा, दूध, आइसिंग शुगर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, 3 अदद अंडे, और ये तकरीबन हाफ बटर चाहिए हमें, और कोको पाउडर और वनीला एसेंस। अब हमने इन चीज़ों को डिवाइड कर लिया। हमें चाहिए है 1 बाउल आइसिंग शुगर का, 1 कप चाहिए हमें दूध, मग था तो हमने इसको कप के जितना लिया, 2 कप चाहिए हमें मैदा, 3 अंडे और बटर हाफ, 1 टेबल स्पून हमारे पास बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर है, 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस एंड 2 टेबल स्पून ऑफ कोको पाउडर। इन सब चीज़ों को हम एक बाउल में ऐड कर देंगे और बीटर से अच्छे से बीट कर लेंगे। हमें इसके अंदर हॉट वाटर और नमक भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तकरीबन कोको पाउडर सॉल्टेड ही होता है। इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे साइडों पे से उतार के, और जो हमारा बैटर है उसकी पेस्ट इस शक्ल में होनी चाहिए, ना इतनी गाढ़ी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। दूसरी तरफ हम कर लेंगे इस कढ़ाई को गरम प्री हीट, क्योंकि हम विदाउट ओवन बनाएंगे केक। अब हमने अपने इस मोल्ड के अंदर थोड़ा सा मैदा डाल लिया और इसको सारा स्टीम कर लिया है, सारी जगह पे छिड़का लिया। इसके अंदर अब हम डाल देंगे बैटर जो हमने रेडी किया हुआ है चॉकलेट स्पंज केक का। अब इस बैटर को आप 1 से 2 मरतबा इस तरह कर लें अप एंड डाउन, क्योंकि ये स्टेबल हो जाए, जो इसके अंदर बबल्स बने होते हैं वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसको रख देंगे कढ़ाई में। कढ़ाई हमने प्री हीट के लिए 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर रखी हुई थी, और इसको बेक करने के लिए हमने इसको पहले 5 मिनट मीडियम आंच पर रखना है, देन 30 से 35 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे लो फ्लेम पर। जी, तो ये हमारा केक बेक हो रहा है और हम इसको विदाउट ओवन बना रहे हैं, तो नीचे वाले स्टैंड और ऊपर थोड़ा सा अगर वो हिल के उसकी शेप साइड से ऐसी हो सकती है, बट ये बाहर नहीं आएगा क्योंकि हमारा मोल्ड थोड़ा सा भरा है। टूथपिक के साथ हम इसको चेक करेंगे, अगर तो ये नीट क्लीन है आप देख सकते हैं आगे से, बट अगर आप ज़ोर से मारेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ साथ लगा रह जाएगा। तो अब ये हमारा केक जो है वो रेडी हो चुका है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसको सेटल डाउन होने देंगे। इसको अभी भी ज़रा कर लेंगे क्योंकि ये चिपके ना, और ये होप सो नहीं चिपका होगा। 10 मिनट्स का इसको रेस्ट दें, देन इसको हमने एक नाइफ़ के साथ हल्का सा साइड्स में पिंच करके सेपरेट कर लेना है, क्योंकि अगर कहीं थोड़ा सा लगा भी है तो वो ओके हो जाए। सारे केक पे एक बार हम ऐसे ही नाइफ से इसको ओके कर लेंगे। हम इसको आराम से करेंगे क्योंकि ये स्पंज केक बनाया है हमने, आप देख ही रहे हैं कट करते हुए भी इसकी लुक जिस तरह से है, ना ये ज़्यादा पतला है ना लिक्विड जैसे है। जब आप इसको चेक करेंगे तब भी ये बहुत स्पंज सॉफ्ट सा होगा। जी, अब आप इसको हल्का सा बैक पे पुश करें, देन ये हमारा केक बाहर आ जाएगा। इसको अब हम एक और प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। जी, तो ये हमारा केक रेडी है। मुझे अब इसकी थोड़ी सी साइड्स लग रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसकी ज़रा कटिंग कर लूँ। मोल्ड आपकी मर्ज़ी, आप जैसा मर्ज़ी ले लें, हार्ट शेप, सर्कल, बॉक्स, जैसा दिल करे, या फिर जो टी केक वाले मोल्ड्स होते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वीडियो उसी की ट्राई करेंगे कि प्लेन की टी केक बना लें। इसको मैं साइडों से काट रही हूँ कि मुझे ज़रा ये रफली लग रहा है, और ये आप देख ही रहे हैं कि केक कितना फ्रेश है, कटिंग करने से पता चल ही जाता है हमें, अच्छे से बेक हो चुका है ये। दूसरी साइड से भी मैं इसकी हल्की कटिंग कर लूँगी। बैटर थोड़ा सा मोल्ड के अंदर इधर उधर होने की वजह से ये थोड़ा सा डिस्टर्ब बन गया, बट
इसने प्रॉपर हार्ड ही लगना था और अभी भी लग रहा है। और मोल्ड आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि अपनी ऑप्शन पे आप जो सा मर्जी यूज़ कर लें। इसकी कटिंग करके जी, तो यहाँ अब मैंने इसकी अच्छे से कटिंग कर ली है जैसे मुझे प्रॉपरली लग रही थी। और केक हमारा बिल्कुल ही फ्रेश है, जो वो साइड से सारा है ये बता ही रहा है आपको कटिंग करते हुए भी। और मैंने इसकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी फ्रोस्टिंग कर लें, बट मैं इसको पाउडर शुगर के साथ गार्निश कर रही हूँ, ज़रा फ्लेवर भी अच्छा आएगा। क्योंकि हमने बेसिकली वीडियो शेयर की है सॉफ्ट चॉकलेट स्पंज केक की, नेक्स्ट टाइम इसकी फ्रोस्टिंग वगैरह भी डिस्कस करेंगे। और फ्रोस्टिंग आपकी अपनी मर्ज़ी पे है कि आपने फोंडेंट वाली करनी है या दूसरी क्रीमी। देन हम कर रहे हैं केक की कटिंग और आप देख ही रहे हैं कि कितना सॉफ्ट स्पंज टाइप है। देन हम इसका स्लाइस उतार लेंगे। इसको रख लेंगे प्लेट में। केक हमारा रेडी है। जी, तो आप इसका सारा टेक्सचर देख लें और इसको मस्ट ट्राई करें घर पे। बहुत ही सिंपल इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन गया। और अब आप ये देखेंगे कितना सॉफ्ट स्पंज टाइप है, कितना फ्रेश केक बना है। और इसको ज़रूर ट्राई करें घर पे। बहुत इजी सिंपल रेसिपी है, होममेड केक बनाएं। और चैनल को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी है तो उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।